ये है एक रेगुलर पीसी का हीट सिंक जिसको हम लोग लगाते हैं प्रोसेसर के ऊपर, और ये है मेरे फोन का जनरल चार्जर। क्यों मैं दिखा रहा हूं आखिर ये दोनों? वेल, तो एक पीसी है जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो इससे छोटा है और इसी साइज का है, लगभग इससे थोड़ा सा बड़ा है, जिसका नाम है लार्क बॉक्स, और ये चाइनीज कंपनी ने एक बनाया है। तो गाइज चलो फिर विदाउट एनी फर्दर डिले जानते हैं इस पीसी के बारे में, जो कि इवन 4K वीडियोस को प्ले कर सकता है। तो चलो फिर लेट्स रोल द टेक। वेल गाइज, तो अगर चाइना ऐसे ही प्रोडक्ट्स बनाते रहेगा तो चाइना को आखिर कोई बॉयकॉट करेगा कैसे? दुनिया का सबसे छोटा पीसी। नाउ गाइज, इसका अगर मैं डायमेंशन बताता हूं तो ये 6.1 सेंटीमीटर बाई 6.1 सेंटीमीटर विड्थ एंड लेंथ और 4.3 सेंटीमीटर हाइट का है। नाउ डायमेंशन मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप अब स्पेक सुन पाओ और सुन के चौंक पाओ। तो गाइस, अगर हम लोग इस पीसी की बात करते हैं तो ये UHD वीडियोस प्ले कर सकता है, मतलब अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, मतलब 4K वीडियोस। इस पीसी में आपको मिल जाता है क्वाड कोर इंटेल 8th जनरेशन का N4100 सेलेरन प्रोसेसर, जो कि अगर आपने 2000s में या 1990s के और 2000 के बीच में पीसीज यूज किया है और आपका एवरेज पीसी था, उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। उसके अलावा आपको इसमें 6GB LPDDR4 रैम मिल जाता है। गाइज, यहाँ पे अगर हम लोग स्टोरेज की बात करते हैं तो ऑनबोर्ड इसमें आपको 128GB का स्टोरेज मिलता है, और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पोर्ट्स की तो गाइज गिरना मत अपनी कुर्सी से, यहाँ पे आपको 2 USB-A पोर्ट मिलता है, 1 USB-C पोर्ट मिलता है, 1 HDMI पोर्ट मिलता है, और साथ ही साथ एक 3.5mm पोर्ट मिलता है ताकि ऑब्वियसली आप हेडफोन वगैरह यूज कर पाओ। नाउ गाइज, यहाँ पे फीचर्स कनेक्टिविटी के लिए आपको मिल जाते हैं ब्लूटूथ 5.0 और वाईफाई 802.11ac। यहाँ पे UHD ग्राफिक्स 600 का सपोर्ट है क्योंकि ये 4K वीडियोस प्ले करता है। और गाइज, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि ये मैंने क्यों दिखाया, तो गाइज इसके अंदर एक फैन भी है प्रोसेसर के ऊपर लगा हुआ है, और अब आप समझ लो हमारे नॉर्मल पीसी का फैन इतना बड़ा होता है, लेकिन इससे छोटा ये पीसी है और साइलेंट फैन है। तो गाइज, यहाँ पे आपको ऑल इन ऑल सब कुछ इस छोटे से माचिस के बॉक्स के अंदर मिल जाता है, जैसे हम लोगों ने देखा है एड्रिनो, फिर उसके बाद क्या था यार, हाँ रसबेरी, ये सारे पीसीस तो थे ही, फिर एसुस का एक था, क्या था, टिंकर बॉक्स या टिंकर बोर्ड, हाँ ये सारे मिनी पीसी बोर्ड्स तो थे ही, लेकिन इनमें प्रॉब्लम ये था कि इनमें इतना पावर नहीं था, इतना ज़्यादा रैम नहीं मिलता था, प्रोसेसर इतना पावरफुल नहीं था। लेकिन इस जो पीसी का कॉन्फ़िगरेशन है, ये आप एवरेज पीसी एक समझ सकते हो, इसको आप किसी भी टर्मिनल पे यूज़ कर सकते हो, या फिर इस पीसी को यूज़ करके आप डेली अपने मीडिया नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हो। अगर आपको यूट्यूब स्ट्रीमिंग वगैरह करना है, ब्राउजिंग वगैरह करना है, काफ़ी अच्छा रहेगा, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट चलाना सफिशियंट है। और इसका फुटप्रिंट कितना है? बस इस चार्जर जितना। तो गाइज, कुल मिला के ये पीसी मुझको काफ़ी ढांसू लगा चाइना के तरफ से। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कोई प्रोडक्ट आएगा, लेकिन सही में अच्छा प्रोडक्ट बनाया यार। और इसका अगर हम लोग प्राइस की बात करते हैं तो डॉलर्स में अगर कहें तो 250 US डॉलर्स इसका प्राइस है, और इंडियन करेंसी में 19,200 के आसपास आपको पड़ेगा। यूँ देख लो यार, आसपास अगर कंपेयर करते हो तो 20,000 के आसपास पड़ेगा। अभी प्राइस मुझको काफ़ी महंगा लगा, लेकिन फुटप्रिंट के हिसाब से काफ़ी सही प्राइस है, क्योंकि आपके हाथ में दो ऐसे पीसीस फिट हो जाएंगे। तो गाइस, कुल मिला के यही था इस पीसी के बारे में, काफ़ी चौंकाने वाला पीसी है। और आपको कैसा लगा ये कमेंट में शेयर करो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। यार देखो यार, गरीब यूट्यूबर हूँ, मतलब गर्मी से पसीना निकल रहा है, ऐसी वैसी नहीं है रूम में। आप सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा अच्छा सेटअप वेटअप होगा, तो फिर मतलब आपके लिए और अच्छे कंटेंट्स ला पाऊंगा। तो चलो फिर इसी बात पे ये वीडियो रैप अप करता हूँ। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। कीप चेकिंग माय अदर वीडियोस। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय एंड सी या।